खुश रहो। खुश रहो। आप बहुत ही शुभ मुहूर्त पर आई हैं, लेकिन अगर आपने पहले ही कहलवा दिया होता तो हम आपके लिए क्या करें? हमसे रहा नहीं गया। हम देखने आए हैं अपने पोता बहू को। आखिर कौन है वो कोहिनूर का हीरा जिसको आपने झांकी के लिए माता के स्वरूप में चुना है? कहाँ है वो कोहिनूर का हीरा जिसके लिए आपने ये समारोह रखा है? माता जी, दरअसल बात ये, समय का भान नहीं रहा किसी को? सबके पाप हरो प्रभु। माता की ज्योति जलने के बाद देरी करना माता का अपमान है। कुलदेवी की पालकी भी यही है। माता की यात्रा सही समय पर नहीं निकली तो राजमहल में माता के चरण सही समय पर वापस नहीं लौटेंगे। कहाँ है आपकी होने वाली लाखों में एक बहू? दादी माँ, आप लंबा सफर तय करके आई हैं, चलकर आराम कीजिए, यहाँ पर हम संभालते हैं। आराम? माँ का संकेत है, किसी अपशकुन और अनर्थ होने का संकेत दे रही है हमारी कुलदेवी। माँ की यात्रा में बाधा आई है, ठीक नहीं हो रहा है। कंचन, आज के दिन जो तुमने ना आने का फैसला किया है, ये तो माता जी कभी माफ नहीं करने वाली। इतने बड़े फंक्शन में राजघराने की नाक कटवाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा मेरी जान। इसे कहते हैं आखिरी दाव। विशेष, हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ है आपकी होने वाली धर्मपत्नी जिसे अपने होने वाले ससुराल के धार्मिक कार्यों में इतनी रुचि है? हम आपको कभी कोई गलत कदम उठाने के लिए नहीं कहेंगे, इतना तो भरोसा है ना हम पर। वादा कीजिए कंचन जी, आप आएंगे, आप आएंगे हमारे लिए, हमारे लिए। Oh,
कितना शुभ संकेत है। होने वाली बहुरानी पहली बार राजघराने आई और कुलदेवी ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया। जीते रहिए। सॉरी माँ, मेरी वजह से आप सब लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। कोई तो वजह होगी, वरना इतनी देर नहीं होती। वैसे कहते हैं ना, हर चीज के लिए एक समय होता है। आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। देखिए, आप ही की वजह से एक अरसे के बाद विशेष की दादी मां राजघराने में वापस लौटी हैं। आइए। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। ये हमारे राजघराने की सबसे बड़ी है। खुश रहो। तेज तो है आपकी आंखों में, ऐसा जो हमें अच्छा भी लगा और हमारी आंखों को खटक भी रहा है। कंचन बेटा, आप हमारे साथ चलिए और तैयार हो जाइए। ये दोनों आपको सजा देंगी। पंडित जी, आप कुलदेवी के प्रस्थान की विधियां शुरू कीजिए। हम इनका श्रृंगार करके इन्हें ले आते हैं। जी राजमाता जी। ये हमें दीजिए, आइए। देख रही हैं माता जी, आपने सन्यास क्या ले लिया? भाभी तो हर काम में मनमानी करने लगी। हमसे तो नहीं देखा गया, इसलिए आपको फोन किया। अच्छा हुआ आप आ गई माता जी। अब इस राजघराने की गरिमा सिर्फ आप ही संभाल सकती हैं। छोटी बहू, सास बहू को गृहस्थ की चाबी अपने आंचल की गांठ खोलकर जरूर देती है, लेकिन आंचल में गांठ लगाना नहीं भूलती। इस गृहस्थी की गांठ हमारे पल्लू में आज भी बंधी हुई है। आप चिंता ना कीजिए। जी। ये सिर्फ हमारी पुश्तैनी जेवर नहीं, हमारे राजघराने की धरोहर है। ये साल में सिर्फ एक बार आज ही के दिन निकाले जाते हैं माता के पवित्र छवि के श्रृंगार के लिए। हमें क्या पता था कि एक दिन हम ये जेवर उन्हें पहनाएंगे जो हमारे बेटे की दुल्हन बनेंगी। इनमें माता का आशीर्वाद है, इन्हें पहन लीजिएगा, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। पार्लर वाली,
नजा ने अपने क्या सोच के ये फैसला लिया? वैसे हमें ताज्जुब नहीं हुआ। फैसला लेने के मामले में गलतियां करना ये तो आपकी पुरानी आदत है बड़ी बहू, लेकिन इस बार बात राज घराने के आन बान और शान की है। सही और गलत के दरमियान जो फर्क है उसकी परिभाषा आपकी और हमारी बिल्कुल अलग है। रहा सवाल गलतियां करने की, तो वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता किससे हुई है। इतना गुरूर अच्छा नहीं बड़ी बहू। ये गुरूर नहीं है माता जी, विश्वास है। हमें कंचन पर पूरा भरोसा है। पार्वर वालियो सुनो, सुनो बात, ठीक से तैयार करो, पूरी कोशिश करो कि राजघराने की बहू लगनी चाहिए, राजघराने की, समझ रही हो ना? राजशाही खून जब रगों में दौड़ता है तो चेहरे पे रौनक कुछ और ही होती है। राजकुमारियों के चेहरे पर एक आभा होती है। अब वो लाली तुम लोग लाली पाउडर से लाओगे या ये तो ईश्वर ही जाने। देखो, देखते हैं। रुकिए, आप लोग रहने दीजिए, हम अपने बहू का श्रृंगार खुद अपने हाथों से करेंगे। राजमाता कंचन का श्रृंगार खुद करेंगी? जो चीज अनमोल है उसे परायों के हाथों में नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने हाथों से संभालना चाहिए। और फिर खरे खोटे का फर्क समझना हर एक के बस की बात नहीं है। इतना प्यार, अपनापन और इतना सम्मान, मैंने तो जिंदगी से इतना मांगा भी नहीं था। अब जो आप इतना सब कुछ दे रही हैं तो डर भी लगता है, आपके विश्वास को चोट पहुंचाने का डर, निराश करने का डर। कहां खो गई हैं आप? देखा आपने कितनी सुंदर लग रही है हमारी कुलवधु। क्या किया तुमने? हा? छुई कैसे तुमने मूर्ति और शुद्ध कर दिया? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कैसे हो गई तुमसे गलती? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या बात है, क्यों डांट रही हैं?
भाभी, ये हमारे घर काम करने वाली कांति की बस्ती से ये लोग कितने कितने दिन तो नहाते भी नहीं है, और इसने माता के दरबार से टीका लगा लिया, ऊपर से माँ को चुनरी भी चढ़ा दी। हम लोग पवित्रता और शुद्धता का इतना ध्यान रखते हैं, और इसने इसने माँ को छू लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? जिस मिट्टी से हम ईश्वर की मूर्ति बनाते हैं, उसी मिट्टी से ईश्वर ने हम सबको रचा है। हम सब एक ही मिट्टी के हैं और एक ही खून भी है। आपकी समझ और सोच इतनी छोटी है। आप पढ़ी लिखी है ना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। क्या पवित्रता वाली बातें लेकर बैठ गई आप? हर इंसान पवित्र है। तन के मैल को तो धोया जा सकता है रोज, लेकिन इस मन के मैल को कैसे धोएंगे आप? रुकिए आप, ये रुकिए बड़ी बहू। शास्त्रों में लिखा है, जिसका जैसा कर्म होता है वैसा उसको जन्म मिलता है। भगवान और धर्म के कामों में दखल ना दे आप, ईश्वर रुक जाएंगे। जले विष्णु स्थले विष्णु, धर्म और शास्त्र के पाठ तो आप पढ़ती ही हैं, तो आपने ये भी पढ़ा होगा, ऐसी कोई जगह नहीं जहां विष्णु नहीं होते। आप इन्हें ईश्वर के मंदिर में आने से रोक सकती हैं, लेकिन ईश्वर को इनके पास आने से नहीं रोक सकती। लीजिए, खुश रहिए। आपका घर खुशियों से भर जाए, बाल बच्चों से आबाद रहे आपका घर। क्या अब भी आपके मन में कोई सवाल, कोई दुविधा है? नहीं, मेरे मन में कोई सवाल और कोई दुविधा नहीं। मैं झांकी में बैठने के लिए तैयार हूं। तुम सही कहते हो, माँ एकदम हमारी तरह सोचती है। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे। साक्षात शक्ति का रूप लग रही हैं आप, आज तो आपको हमारी नजर लग जाएगी। आइए।
आइए बेटा, कुलदेवी का आशीर्वाद लीजिए पंडित जी। रुकिए,